ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि 4 साल पहले हुए बरौद उपचुनाव के समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के अन्य नुमाइंदों ने बरौदा की जनता से ढेरों लोग लुभावने वायदे किए थे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी बरौदा वासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि बरौदा के लोगों को कांग्रेस के न्याय पत्र की गारंटी पर पूरा भरोसा है और गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करेगी। सतपाल ब्रह्मचारी ने कांग्रेस के न्याय पत्र की गारंटियों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए देंगे, फौज की अग्निपथ योजना खत्म करेंगे और पहले की तरह पक्की भर्ती शुरू करेंगे और भर्ती हो चुके अग्निवीरों को पक्का कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, हर गृहिणी को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन, गरीब पिछड़े दलित परिवारों के लिए 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट की योजना दोबारा शुरू होगी, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए 3.5 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे, हरियाणा में कच्ची भर्ती नीति को खत्म कर रिजर्वेशन और पेंशन के साथ पक्की भर्ती शुरू होगी, किसानों को MSP की गारंटी देंगे, सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों, मनरेगा मैट को पक्का करने की नीति लेकर आएंगे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, पंचायतों के सरपंचों के अधिकार बढ़ाएंगे। जनता जन का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मेरे साथ है, सभी पूरे कांग्रेस के लीडर साथ में है, हर बिरादरी, हर समाज के, हर धर्म के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख रहे हैं आज कौन कौन से गांव का दौरा है और 25 गांव हैं, अभी मैं बताता हूँ, ये भूरी माई है, अभी इसके बाद अगला गांव है, 5-6 गांव कर लिए, सुबह रेलवे स्टेशन से शुरू की थी और बहुत है, मैं अभी सूचना आपको दे देंगे, गन्नौर में रोड शो भी है और बहुत अपार जनसभा सतपाल ब्रह्मचारी के साथ। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी सांसद बनने के बाद? जो ट्रेन नहीं रुकती है उन ट्रेनों को रुकवाना, हमारे भाई रोजगार के लिए दिल्ली आते जाते हैं उनकी सुविधा के लिए, मेट्रो सोनीपत तक हो और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा मैनोफेस्टो है, हम आपको दे देते हैं, उसमें किसानों की आवाज़ और व्यापारी की आवाज़, कर्मचारियों की आवाज़, जो हमारे प्रधानों की आवाज़, जितने भी हमारी आशा वर्कर की आवाज़, आप सब समझते हैं, चौकीदार की आवाज़, सतपाल ब्रह्मचारी बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।